स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप गाजीपुर जिला के वासी हैं तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से एक गाजीपुर जिला के नाम से जाना जाता है। गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश के दक्षिण से पूर्व भाग की ओर और वाराणसी जिला के पूर्व भाग की ओर बसा है, जिस वजह से इसके पूर्व की सीमाएं बिहार राज्य से मिलती है। इस जिले का हेडक्वार्टर गाजीपुर शहर में मौजूद है और गाजीपुर जिला वाराणसी डिवीजन के अंतर्गत आता है। गाजीपुर जिला संतनत काल से मुगल काल तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका हुआ करता था। गाजीपुर का गठन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाने वाले तुगलक वंश के शासन काल में सैयद मसूद गाजी द्वारा साल 1330 ईस्वी में किया गया था। कुछ जानकारों का मानना है कि गाजीपुर का गठन उस्ताद गाजी मसूद द्वारा किया गया था। गाजीपुर का पूरा इलाका पहले के जमाने में खड़े जंगलों से घिरा हुआ था। तब उस समय यहाँ पर कई संतों के आश्रम हुआ करते थे। इन जगहों का संबंध रामायण से भी है। कहा जाता है कि महर्षि परशुराम के पिता जमदग्नि यहां रहते थे। गाजीपुर का पुराना नाम पहले गांधीपुर हुआ करता था, लेकिन सैयद मसूद गाजी के सम्मान में इसका नाम बदलकर गाजीपुर रख दिया गया था। गाजीपुर जिला में अंग्रेजों के द्वारा साल 1820 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम कारखाना खोला गया था। इसी वजह से गाजीपुर अफीम के कारखाने के लिए काफी मशहूर है। गाजीपुर जिला के पड़ोसी जिला का नाम जौनपुर जिला, मऊ जिला, चंदौली जिला और बिहार का बक्सर जिला है, जिस वजह से गाजीपुर जिला के उत्तर भाग की ओर उत्तर प्रदेश का मऊ जिला, पूर्व भाग की ओर बिहार का बक्सर जिला, दक्षिण भाग की ओर उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला और पश्चिम भाग की ओर उत्तर प्रदेश का जौनपुर जिला से घिरा हुआ है। गाजीपुर जिला के मुख्य नदी का नाम गंगा नदी, गोमती नदी, बेसन नदी, मगाई नदी, टोंस नदी और कर्मनसा नदी है। गंगा नदी और गोमती नदी के किनारे पर बसा यह जिला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से महज 335 किलोमीटर की दूरी पर है और देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 870 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गाजीपुर जिला में 7 तहसील, 16 ब्लॉक, 1 लोकसभा, 7 विधानसभा, 6 अस्पताल, 378 डाकघर, 27 पुलिस स्टेशन, 3 नगर पालिका परिषद, 5 नगर पंचायत, 1046 ग्राम पंचायतें, 9 शहर और 3385 गांवों में बटा है। क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 3377 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गाजीपुर जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 6,65,200 के करीब है और यहां की बोली जाने वाली भाषा हिंदी और भोजपुरी है। आबादी की बात करें तो गाजीपुर जिला जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य का 20वां सबसे बड़ा और क्षेत्रफल के हिसाब से 33वां सबसे बड़ा जिला है। गाजीपुर जिला का अभी मौजूदा समय में कुल आबादी 41,75,000 के करीब है। वैसे साल 2011 के जनगणना के अनुसार गाजीपुर जिला की कुल आबादी 36,20,000 के करीब है, जिसमें कि पुरुष की आबादी 18,55,000 है और महिला की आबादी 17,65,000 है। इस जिले का औसत लिंग अनुपात 952 के करीब है, यानी कि 1,000 पुरुष पर 952 महिला है। इस जिले में हिंदू धर्म की आबादी 32,32,000 है, लगभग 89% और मुस्लिम धर्म की आबादी 3,70,000 है, लगभग 10% के करीब है। शिक्षा की बात करें तो इस जिले में कई सारे कॉलेज और स्कूल स्थित है, जिसके माध्यम से गाजीपुर जिला के वासी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। गाजीपुर जिला में गाजीपुर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, हिंदू पीजी कॉलेज, शहीद स्मारक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इस जिले के लिए एक खास केंद्र बना हुआ है। वैसे इस जिले की साक्षरता दर 72% के करीब है।
गाजीपुर जिला के 36,20,000 की आबादी में 25,99,000 लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष 15,35,000 पढ़े लिखे हैं लगभग 83% के करीब और महिला 10,64,000 पढ़ी लिखी है लगभग 60% के करीब है। व्यवसाय की बात करें तो गाजीपुर जिला के आबादी के अनुसार इस जिले में 12,05,000 लोग काम करने वाले वर्कर हैं, जिसमें कि पुरुष और महिला दोनों शामिल है। इस 12,05,000 वर्कर में सरकारी नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरी करने वाले, किसान और मजदूर भी शामिल है। इस जिला में काम करने वाले वर्कर लगभग 33% के करीब है। वैसे गाजीपुर जिला की मुख्य व्यवसाय खेती भी है। यह जिला काफी हद तक खेती अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है। गंगा नदी और गोमती नदी के हिस्से में बसे होने के कारण इसका पूरा इलाका काफी उपजाऊ है। इस जिले के मुख्य फसलों का नाम धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन और गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अलावा इस जिले में सब्जियाँ, आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च का भी पैदावार किया जाता है। गाजीपुर जिला में गवर्नमेंट अफिंग फैक्ट्री, चीनी मिल के फैक्ट्री, ईंट बनाने की व्यवसाय के अलावा कई सारे छोटे बड़े व्यवसाय इस जिले में स्थित है, जिसके माध्यम से गाजीपुर जिला वासियों को और आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया प्रदान करवाता है। टूरिस्ट स्थलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह भरपूर और मशहूर है। गाजीपुर जिला के टूरिस्ट स्थलों में शुमार भितारी सैदपुर, बहादुरगंज, औरिहार, रामलीला मैदान, गंगा घाट, नेहरू स्टेडियम, कामख्या धाम, महाहर धाम, कार्नवालिस माउंट, धामूपुर, दिलदार नगर, गाजीपुर जिला के हजरत बाबुल मुराद बाबा की दरगाह शरीफ और हजरत शाह जुनैद पीर बाबा की दरगाह शरीफ जैसे कई महत्वपूर्ण नामों से लोग वाकिफ होंगे। गाजीपुर जिला सड़क और रेल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के अलग अलग जिलों के साथ अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इस जिले के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 24 और नेशनल हाईवे संख्या 31 गुजरती है। यह जिला बस के माध्यम से भी यात्रियों को पड़ोसी जिला के साथ साथ शहर के छोटे बड़े गाँव तक बस सेवा मुहैया कराती है। गाजीपुर जिला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन, औरिहार रेलवे जंक्शन और दिलदार नगर रेलवे है। आपको बता दें, गाजीपुर जिला में कुल मिलाकर 28 रेलवे स्टेशन स्थित है, जिसमें कि हॉल्ट भी शामिल है। दोस्तों, गाजीपुर जिला के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।